नमस्कार बच्चों, मैं हूँ परशुराम सर। आज आपको क्लास टेंथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने दो संख्या वाले जो दो संख्या थी उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। अब अपन इसमें जानेंगे तीन संख्याओं का, 12, 15 और 21 है, 17, 23, 29, 8, 9 और 25, मतलब तीन संख्याएं हैं यदि, तब एचसीएफ और एलसीएम कैसे अपन ज्ञात करते हैं इसको अपन जानेंगे, ठीक है। अभी अपन ने दो संख्याओं को जाना था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब इस वीडियो में अपन जानेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अपन कैसे निकालते हैं। चलो जानते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 12, 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 12, 15 और 21, इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक दोनों अपन को ज्ञात करना है। तो दोनों ज्ञात करने के लिए सिंपल सी वही विधि है, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 12 के पहले इसमें कितने से भाग देंगे, 2 से। 12 के निकालने के लिए 12 में 2 से भाग दिए, 2 इच्छाओं 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, कितने निकले, 2 × 2 × 3, ठीक है। उसके बाद 15 के निकालेंगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 5 है 15, 5 एकम 5। उसके बाद 21 के, 21 में कितने से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 3 × 7 = 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहां पर 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, अर्थात 2 2 बार आए तो 2 की घात × 3 की ऊपर 1 की 3 एक ही बार आए। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो कितने आए, 3 × 5, 3 एक बार आए, 5 भी एक बार आए। उसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 3 × 7, 3 एक बार और 7 एक बार। यहाँ पर अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालना बहुत ही सरल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बता चुके हैं, एचसीएफ निकालने की सबसे पहले अपन को अभाज्य गुणनखंडों में देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, मतलब जो तीनों में हो। अभी अपन दो संख्याओं का देख रहे थे, दोनों में देखते थे, अब तीन संख्याओं का है तो तीनों में देखेंगे, ठीक है। 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ पर देखो, 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें और इसमें, तीनों संख्याओं में 3 है और इसकी सबसे छोटी घात 1 की है, तो एचसीएफ अपना कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में सबसे बड़ी घात सभी संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 2 की, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणे 3, 3 के ऊपर सबसे बड़ी घात सभी में 1 1 की घात है, तो यहाँ पर 1 ही 3 लेंगे। यदि इन तीनों में से जो तीनों उभयनिष्ठ है ना, इन तीनों में से जो यदि एक से बड़ी घात होती तो वही संख्या अपन लेते जो बड़ी घात की है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक की घात है तो अपन 3 ही लेंगे। उसके बाद यहां पर 5, उसके बाद यहां पर कितने हैं, 7, ठीक है। सभी के ऊपर 1 की घात है तो 2 × 2 = 4 × 3 × 5 × 7, गुणा करो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 × 7, 46 0 का 0 420। एस सी एफ निकला 3 और एल सी एम निकला 420, अतः एच सी एफ बराबर 3 और एल सी एम बराबर 420, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आओ उतार लो, समझ में आई, बहुत सिंपल है, ठीक है। यदि कहीं भी प्रॉब्लम जाए क्वेश्चन को समझे में तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 93, 99, 97, 80, 18, इस पर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उतार लो, वीडियो को रोक कर उतार लेना, ठीक है, और इसकी एक दो बार कम से कम प्रैक्टिस करना। दूसरे क्वेश्चन में है 17, 23 और 29, दूसरे में कितने हैं, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो अपन 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे,
तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17, तो अभाज्य संख्या है, कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो 17 एकम 17, 17 ही निकले। उसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, कोई संख्या ऐसा नहीं। 29, 29 भी अभाज्य संख्या हो तो 29 एकम 29, कोई संख्या ऐसा नहीं। अब यहाँ पर 17 के जो गुणनखंड निकली, 17 एक के ऊपर एक की घात और एक के ऊपर एक की घात एक बार। उसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के 23 कितनी बार आए, एक बार, और एक कितनी बार आओ, एक बार। उसके बाद 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 के 29 और एक का एक। अब अपन को एच सी एफ निकालना है, क्या निकालना है, एच सी एफ महत्तम समाप्त वृद्धक। इसके लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना पड़ेगा, एक तीनों में है तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद एल सी एम के लिए अपन सभी संख्या लेंगे, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 और एक, एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब यहाँ पर 17 का 23 का और 29 का रफ में गुणा कर लो, ठीक है। अब 17, 23 और 29 तीनों संख्याओं का यदि अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,339, रफ में गुणा करके देख लेना, 11,339। अतः एच सी एफ बराबर एक, एल सी एम बराबर 11,339, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। अब एक और इसमें क्वेश्चन बचा है 8, 9 और 25, इसको आप लोगों को करना है इसी जैसा, ठीक है। इसके बाद अपन और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या अपन को करना है, तो इसको साफ कर दें, इसको साफ कर, ठीक है, उतार लेना। अगले क्वेश्चन के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एच सी एफ 306,657 बराबर 9 दिया है। यहाँ पर दो संख्या दी हैं, एक तो अपन को 306 दी और 657 दी है, ठीक है। इन 306 और 657 का जो एच सी एफ है वो 9 दिया है, कितना दिया है 9, और एल सी एम 306 और 657 का, इसी का अपन को एल सी एम ज्ञात करना है। तो इसमें अपन को एच सी एफ दिया है, 9 दिया है, एल सी एम निकालना है केवल, क्या निकालना है अपन को, एल सी एम, ठीक है। तो अपन एल सी एम निकालेंगे, ये दो संख्या है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एच सी एफ दिया है किसका, 306 और 657, इसका एच सी एफ अपन को दिया है 9, एल सी एम क्या करना है इसमें, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन यदि दो संख्याओं का एच सी एफ और एल सी एम के लिए एक सूत्र पढ़ चुके हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणित एल सी एम, पढ़ चुके हैं ना, संख्याओं, दो संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणित एल सी एम, ठीक है। यहां पर संख्या कितनी दी है, 306 गुणित 657, इन दोनों का गुणा किया तो गुणनफल बराबर एच सी एफ कितना है अपना 9, एलसीएम क्या करना है अपन को, ज्ञात, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम का, एलसीएम 306 गुणित 657, यहां पर देखो 9 गुणा में है, 9 का पक्षांतर रह दें तो गुणा से कहां पहुंच जाएंगे, 9 भाग में, बराबर में क्या बचा, एलसीएम, यहां पर काट दो, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दुनी 6, 3 त्रिका 9, एक बार और 3 से काट दो, 3 एकम 3, यहां पर 3 त्रिका 9, बचा एक, तीचो के 12। तो यहाँ पर एल सी एम के लिए अपन इस साइड लिख देंगे, तो एल सी एम बराबर 34 गुणित 657, 34 गुणित 657, तो एल सी एम बराबर 34 और 657 का रफ में गुणा कर दो, ठीक है। 34 657 का गुणा करने पर कितना आएगा, 22,338, कितना आया, 22,338, ये अपना एलसीएम, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बार और समझ लो, एक क्वेश्चन आईएम भी है, एचसीएम ने, एचसीएम अपन को दिया है 306 और 657 का 9, एलसीएम ज्ञात करना, तो एक सूत्र पर पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, संख्या कौन कौन सी, 306 और 657 दोनों का गुणा किया, एचसीएफ अपन को 9 दिया तो 9 लिख दिया, एलसीएम अपन को नहीं दिया तो एलसीएम लिखा।
यहाँ पर नौ गुणा में तो नौ कहाँ आ गए, भाग भाग में, तीन से ऊपर और तीन से नीचे काटा तो कितना आया है 102, यहाँ पर आए तीन, एक बार और तीन से डिवाइड किया तो 34 आ गए। अब यहाँ पर 3,657 का गुणा किया, 3,657 का गुणा किया तो कितना आया 22,338। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें सभी जिन्हें नहीं किया है, और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे इसका फायदा सभी उठा सकें।